हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सुजाता तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूं जो आफ्टर डिलीवरी या मतलब कुछ टाइम बाद जब आपके बच्चे हो जाते हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या आप प्रेग्नेंट हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है वो है झाइया जिसे हम पिगमेंटेशन भी बोलते हैं झाइया एक ऐसी बीमारी है जो एक बार आप कि स्किन में आ जाए ना बीमार ही समझो आपके स्किन में आ जाए वो आपके पूरे फेस को बिगाड़ देती है जगह जगह धब्बे काले काले दाग और वो आपके चेहरे पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे आपके एक सभी के चेहरे पे अच्छे नहीं लगते चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो और आपके चेहरे में अगर एक पिंपल भी हो जाए तो आपको कितनी टेंशन होती है सोचो जिन लोगों के चेहरे पे झाइया हैं या पूरा मतलब कहीं कहीं पर दाग दाग लगे हैं उनके चेहरे को वो खुद सोचती होगी कि कैसी मेरी ये झाइया जाएंगी अगर आप उनकी दवाइयाँ भी खाते होंगे बहुत सी ऐसी क्रीम्स होती हैं जिनको आप यूज़ करती हो बट वो उस टाइम के लिए तो क्लीन हो जाता है उनका फेस बट कुछ टाइम बाद जो जो झाइयों की परेशानी है वो दोबारा आ जाती है ऊपर से वो बढ़ के ही आती है तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी रेमेडी आज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप अपनी झाइयों की जो परेशानी है उसको आप दूर कर सकते हैं इसमें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये रेमेडी और इसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें चाहिए कुछ मतलब ऐसे मार्केट से स्पेशल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है तो इसके लिए चाहिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक टमाटर टमाटर आपको लेना है और उसको आपको करना है कद्दूकस तो आप छिलके सही से कद्दूकस कीजिए और थोड़ा सा हमें पल्प टमाटर का भी चाहिए टमाटर टैनिंग को दूर करता है आपकी और इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है तो हमने इसका रस निकाल लिया है अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी तो कम से कम आपको अगर क्वांटिटी के हिसाब से बनाऊँ तो एक चम्मच आपको टमाटर का रस लगेगा उसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें आलू आलू आपको कच्चा लेना है और अच्छे से धुल लेना है और छिलके सहित ही आपको इसको कद्दूकस करना है तो हमें यहाँ पर चाहिए आलू का जो रस होता है वो हमें चाहिए ये आपके जितनी भी झाइयाँ है ना उसको दूर करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा तो हमने ले लिया है इसका रस तो इसको मैं हल्का सा निकाल लूँगी तो एक चम्मच आपको टमाटर का रस चाहिए और कम से कम एक चम्मच आपको आलू का रस चाहिए तो ये निकल चुका है अब आपको क्या चाहिए तीसरी चीज़ आपको चाहिए थोड़ा सा एक चम्मच के करीबन नींबू का रस तो ये आप चीज़ें आपको अपने किचन में आराम से मिल जाती हैं और इसमें जो चौथी चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें दूध का पाउडर तो यहाँ पे मैं एक चम्मच दूध का पाउडर लूँगी और दूध का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो इससे सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो आपको लेना है एक चम्मच कच्चा दूध तो मेरी ये जो रेमेडी है ये बनके तैयार है अब आपको उसको अप्लाई कैसे करना है आपका फेस पहले साफ़ होना चाहिए मेरा फेस एकदम पूरी तरह से साफ है अभी मैंने अपने चेहरे को धुला है सिर्फ तो इसको हमें सिंपल से अप्लाई करना है और पूरे चेहरे पे दोस्तों इसे अप्लाई करना है हाँ अगर आपके पास समय है मतलब होता है कि हम गृहणियाँ होती है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हाउस वाइफ पे तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे हल्का सा पाँच मिनट ऐसे मसाज कीजिए जब आप इसे पांच मिनट मसाज कर दे तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना ये मैं तब बोल रही हूँ अगर आपके पास टाइम है इससे आप झाइया हैं वो जल्दी खत्म होंगी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसे लगा के भी छोड़ सकते हैं बट इसको आपको लगा के कम से कम आप इसे मान लीजिए 25 फाइव मिनट से 30 मिनट 20 से 30 मिनट आपको इसको अपने फेस पे ऐसे ही रखना है उससे पहले इसे आप बिल्कुल नहीं उतारें इस फेस पैक को तो मैं आपको 20 मिनट बाद आपसे मिलती 20 मिनट हो चुके हैं हम अपना फेस वॉश करूंगी इस वीडियो को अभी बिल्कुल एंड मत कीजिए इसमें बहुत सारी जानकारी अभी आपको दूंगी तो दोस्तों मैंने अपने फेस फेस को वॉश कर लिया है इस फेस पैक से आपकी जो झाइया हैं वो भी दूर होंगे साथ में साथ आपके जो फेस का कॉम्प्लेक्शन है वो भी लाइट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा बट एक चीज का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों आप अगर कोई भी रेमेडी है ना आप सोचते हैं कि आज मैंने लगाया आज इसका रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं होता किसी भी चीज को रिजल्ट आने में उसका टाइम लगता है वो भी साथ में जो नेचुरल चीजें होती है उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगता है बट वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपकी स्किन को देती है तो दोस्तों इस रेमेडी को आपको एक दिन में दो बार लगाना है हाँ जी आप ऐसे मत सोचिए कि आपने आज लगाया फिर आप तीन दिन बाद लगा रही नहीं आपको एक दिन में दो बार लगाना है एक बार आप सुबह लगा लीजिए एक बार आप शाम को लगा लीजिए साथ ही साथ इसे कंटिन्यू आप पंद्रह दिन लगाएंगी ना तो आप अपने फेस में खुद इफेक्ट देखेंगी और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अपने चेहरे पे कितना ज़्यादा फर्क लगा आप अगर ऐसे बोल रहे होंगे कि इन्हें सिर्फ झाइया वाला लगा सकते हैं नहीं आप लोग भी इन्हें नॉर्मल फेस पैक को लगा सकते हैं अपने स्किन के जो कलर है उसको लाइटन करने में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा तो आई होप दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी तो रेमेडी पसंद आएगी तो आपको क्या करना है एक लाइक करना है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय टेक केयर